नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे टिकाए रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, क्या करना। आजकल हर कोई जानता है दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम जानते हैं कि बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। लेकिन इसको कैसे टिकाए रखना है, अगर आप बहुत ट्राई कर रहे हो फिर भी पॉसिबल नहीं है तो क्या उपाय हम कर सकते हैं। वास्तु या फिर ज्योतिष के अनुसार हम कुछ ऐसे छोटे उपाय हैं जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आपको मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस सुनते ही पहले हमें किसका नाम आता है नजर के सामने, तो वो है संदीप माहेश्वरी जी। उनके बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखें, कैसे टिकाए रखें। ठीक है, अभी आज हम देखेंगे कि वास्तु में हम क्या कर सकते हैं इस सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आप देख सकते हैं वीडियो वगैरह, लेकिन दोस्तों आपके अंदर जो एक एनर्जी होती है, ये एनर्जी कंट्रोल होती है प्लैनेट्स थ्रू, जो कि ज्योतिष में हम कुंडली देखते हैं। कुंडली में अलग अलग 12 घर होते हैं, उसमें अलग अलग भाव में अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उसमें भी जो सबसे इफेक्टिव ग्रह होता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए वो होता है मंगल। जिनका मंगल स्ट्रांग होता है वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, उनको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही एग्रेसिव होते हैं किसी भी चीज में। ठीक है, तो इसी प्रकार से घर में भी अलग अलग दिशाओं में ग्रह होते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके घर में, समझो आपके जो मास्टर बेडरूम है वो आपका साउथ वेस्ट में है, ये एक बेडरूम साउथ में है, किचन आपका साउथ ईस्ट में आया है, इस प्रकार से घर है। ये एक स्ट्रेट एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये मुख्य दिशाएं है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अभी नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट में एक बेडरूम है। ठीक है, साउथ वेस्ट वाला बेडरूम आपको क्या फील देगा कि आपकी स्टेबिलिटी, आपके परफेक्शन, आपके स्किल में, ये सब फीलिंग अगर आप एग्जैक्टली साउथ वेस्ट पोर्शन सोने के लिए यूज कर रहे हो तो आपको जो है ये प्रॉपरली फील रहेगा, स्किल एक्सपर्टीज या फिर स्टेबिलिटी, ये सब फीलिंग या आपको ये चीजें मिलती रहेगी। अभी इसमें दूसरी बात ये है कि बहुत बार हमें साउथ वेस्ट का नहीं मिल पाता है, जॉइंट फैमिली है, समझो आपने नॉर्थ वेस्ट का लिया, उसमें भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपने आपका बेड रखा, तो ये डिप्रेशन जोन है। आप यहाँ पर ज्यादा समय बिताओगे यानी इस कॉर्नर में नहीं, ये क्या होता है कि सेंटर से हम लेते डायरेक्शन तो ये इस प्रकार से आते हैं। अभी ये नॉर्थ वेस्ट के साइड में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का समझो इतना जोन बन रहा है, यहाँ पर आपका बेड आया। डिप्रेशन जोन में आप अगर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ये आपको डिप्रेशन में डालेगा। लेकिन हम अभी इसमें से बाहर कैसे निकले, तो घर में एक दिशा है साउथ डायरेक्शन, ये है मार्स यानी मंगल की दिशा, दक्षिण दिशा मंगल की दिशा है। जैसे कि कुंडली में मंगल जो है वो एग्रेसिव प्लैनेट है, उसी प्रकार से वास्तु में भी मंगल का जो इम्पैक्ट है वो कॉन्फिडेंस के लिए है, ब्रांडिंग के लिए है। आप अगर देखोगे आपको ब्रांडिंग करना है बेटर, तो वास्तु जो कंसल्टेंट है वो आपको आपका ब्रांड जो है सबसे पहले साउथ डायरेक्शन आपका बैलेंस करवाएंगे, फिर आपका ब्रांड का लोगो यहाँ पर लगाएंगे ताकि आपका ब्रांडिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े इन सब चीज के लिए। वैसे ही आपके रेसिडेंशियल वास्तु में सबसे पहले आपका साउथ आपको बैलेंस करना है। साउथ बैलेंस करना है मतलब क्या कि यहाँ से एंटी चीजें निकालना है। साउथ ये फायर का डायरेक्शन है, यहाँ पर पानी के रिलेटेड जो कुछ है, पानी का कलर है, पानी है या फिर आपका यहाँ पर कट हुआ है, ये सब चीजें आपको बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर आप रेड कलर बढ़ा सकते हो, पिंक कलर, रेड कलर के फैमिली के कोई भी लाइट या डार्क कलर आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर एंट्रेंस है तो उसको कैसे ट्रीट करना है वो भी मैंने एक दो दिन पहले वीडियो में बताया है कि उस एंट्रेंस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो उसको भी आप ट्रीट कीजिए। अगर पॉसिबल है तो साउथ की जो बेडरूम है यहाँ पर बेड रखिए, यहाँ पर स्टडी टेबल रखिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इस जोन में स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छे से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बूस्ट करेगा और ये टिकाए रखने में मदद करेगा। आपको उस टाइप की एनर्जी मिलने लगेगी कि आप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे कंटिन्यू करें,
एक चीज आपने चालू की है, सपोज आपने सवेरे उठ के जिम जाना चालू किया है, आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन कहा यार चौथे 4 दिन, चौथे दिन में छुट्टी मारेंगे, फिर 1-2 दिन, फिर ये अगर आप चौथे दिन की छुट्टी मार देते हो तो आगे डिसकंटिन्यू होता है। लेकिन ये कंटिन्यू, ये काउंटिंग रुकना नहीं चाहिए, सैटरडे हो संडे हो कुछ भी। तो ये जो कंटिन्यूटी है ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ाती है, टिकाए रखती है। तो इसको आपको सपोर्ट करेगी इस रूम की एनर्जी जो कि साउथ डायरेक्शन है। इसलिए साउथ डायरेक्शन ब्रांडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए साउथ डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अभी इसमें दूसरी बात क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपका कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन अच्छा होना। और कम्युनिकेशन जो डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है मार्स के ऊपर, बुध के ऊपर। और सबसे आसान और सबसे अच्छी रेमेडी है कि गाय को हरी घास खिलाना। ये आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने में आपको मदद मिलेगी। आपके जो भी हर्डल्स रहेंगे मर्क्यूरी के, जो आपके कुंडली में मर्क्यूरी रिलेटेड, बुध रिलेटेड जो भी हर्डल्स रहेंगे वो कम करने में मदद करेगा। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपका मदद करेगा। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यूं बढ़ जाएगा, ठीक है? तो वो टिकाए रखने में भी आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले साउथ जोन बैलेंस, अगर पॉसिबल है यहाँ पर बेडरूम लीजिए, पॉसिबल है यहाँ पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए जब भी आप घर में हो। गाय को हरा चारा और सूर्य उपासना जो होती है, यानी सूर्य को अर्घ्य देना या गायत्री मंत्र बोलना, ये बहुत बहुत इफेक्टिव रेमेडी है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाइब्रेशंस भी आप फील करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा निगेटिविटी कम करने में मदद मिलती है। तो वास्तु के रिलेटेड जो उपाय मैंने बताया है, साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन बैलेंस करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके बाद में सेकेंड जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट, यानी आग्नेय कोण। अगर आपका किचन यहाँ पे नहीं है, निगेटिव केस हम लेंगे, अगर नहीं है तो आपको पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं है तो क्या करें? तो यहाँ पर आपको पिस्ता ग्रीन कलर करना है। यहाँ पे टॉयलेट है तो टॉयलेट में भी आप पिस्ता ग्रीन कलर यूज कीजिए, ग्रीन कलर यूज कीजिए, टॉयलेट को प्रॉपरली ब्लॉक कीजिए। वो कैसे करना है उसका वीडियो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में है, टॉयलेट का एक प्लेलिस्ट है रेमेडीज का, उसमें आप देख सकते हैं। तो सिर्फ साउथ ईस्ट बैलेंस करना है, और साउथ बैलेंस करना है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टिका रहेगा, आप आगे बढ़ते रहोगे, कोई भी आपको टच नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से अगर आप रेमेडी करते हो तो आपको मदद करेगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को टिकाए रखने में। दोस्तों इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।